हेलो व्हाट्सएप भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका अपना तरुण भारद्वाज ब्लॉग्स। तो मेरे बैक पे प्रॉब्लम हो चुकी है, लोअर बैक पे मसल स्पाजम हो गया है, तो उसे का इलाज करवाने जा रहा था। इसमें सारे पर्ची वगैरह रख ली, स्कूटी रेडी होगी, अब निकल रहा हूँ और कटिंग भी करवा ली थी, अब मिलते हैं सीधा। तो भाई हेलमेट डाल के रेडी हो चुका हूँ, बस स्कूटी ऑन करना है, निकलना है, तो मिलते हैं सीधा। वहीं जा रहा हूँ मैं ज़रा डिस्पेंसरी, वो कुछ मेरा कार्ड बना हुआ है ये साई का, सीधा वहीं जा के मिलते हैं। इसे एक सीन हो गया है, स्कूटी ऑन नहीं हो रही, अभी इसको सही करवाना पड़ेगा, दिक्कत आ गई है, यहाँ से वहाँ उनके सीढ़ी के ले जानी पड़ेगी। देखो ऑन नहीं हो रही, ऑन ही नहीं हो रही, क्या हो गया, किक भी मारी बड़ी। ऑन नहीं हो रही, चलो ले चलते हैं, स्कूटी ठीक कराने आया हूँ, दिक्कत आ रही है बड़ी स्कूटी में, जाते जाते सीन हो गया। अभी चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। इतनी गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा कि कुछ कहने के आते नहीं, हालत अलग से बुरी हो रही है। और ऊपर से वहाँ चेकअप भी करवाने जाना है, अपना लोअर बैक की प्रॉब्लम है, तो जल्दी स्कूटी ठीक हो जाए, इसी का वेट कर रहा हूँ। जाते जाते कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मिलते हैं फिर। उठा लो ना भाई, कदम देख सकते हैं क्या हालत होगी। यहाँ आया हूँ घंटा घर, मेरे घर के पास में ही है, धक्के मार मार के। अरे भैया जी सही कर रहे हैं, इसमें क्या ऑयल की दिक्कत आई थी भाई। कितने रुपये का ऑयल? 270 का है। कितना? 270। तो ऑयल ख़त्म हो गया तभी ऑन नहीं हो रही। इसमें कब कब डलवाना पड़ता है ऑयल, कब कब डलवाना पड़ता है? 2000 किलोमीटर जलती है, 2000 किलोमीटर का, तो वही फिर दिक्कत आती है ऑन ऑफ होने की। दिक्कत दे रही थी बड़ी स्कूटी, अब ठीक हो रही है, ऑयल डल रहा है, पुराने वाला निकल रहा है, HP कंपनी का ऑयल डल रहा है। पॉल्यूशन निकला बड़ा, में चलता हूँ। चल ठीक है, ओके। ये मेरा भाई कैश देने आया था, पैसे दे दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओके
मिलते हैं सीधा वहीं। गर्मी है, बड़ी मुश्किल में हिम्मत करके आया हूँ क्योंकि चेकअप करवाना भी ज़रूरी है। अगर चेकअप नहीं करवाऊँगा तो ठीक कैसे होऊँगा, ब्लॉग कैसे बनाऊँगा डेली कंटिन्यू। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इसलिए बाकी हिम्मत रही, आगे ब्लॉगिंग करता रहूँगा। अभी थोड़ी हिम्मत थी, मैं निकल आया धूप में, नहीं तो इतनी धूप में तो बाहर जाने का मन ही नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कड़क धूप आ रही है। डिस्पेंसरी पहुंच चुका हूं, ये रहा मेरा कार्ड और सब कुछ सामान है। अच्छा, चेकअप करवाने जा रहा हूं, अंदर पहुंच गया मैं। अनिल का फोन आ रहा है, 90 रुपया कह रहा है। मुझे रेफर कर दिया है ESI। अब ESI में मेरा टेस्ट होएंगे लोअर बैक। यहां से मैं जाऊंगा ESI जा रहा हूं, ये वहां का कोई मतलब कुछ ब्रांच है, तो उधर मेरे टेस्ट होएंगे ESI में। तो जल्दी जल्दी टेस्ट हुई, चेकअप हुए, पता लगे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं ठीक हुए सब। हम वहाँ जा रहा हूँ, ये है मायापुरी, मायापुरी की साइड है। मायापुरी साइड हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ ESI। काफ़ी दूर पड़ा, ये पीछे देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पे टेस्ट होंगे मेरे। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी क्या रिपोर्ट्स आई, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब आपको बताता हूँ। बस जल्दी जल्दी अंदर जाऊँ, टेस्ट करवा के आता हूँ, तो सीधा मिलते हैं टेस्ट के बाद। ये रहा हॉस्पिटल है, चला गया था एमरजेंसी में, मेरे को जाना था OPD। अब OPD जा रहा हूँ, कह रहे हैं जहाँ रेफरेंस करा उधर ही टेस्ट होंगे OPD। मेरी OPD कितना बड़ा हॉस्पिटल है बना हुआ, यहाँ मुझे रेफरेंस करा है, टेस्ट होंगे। अभी तो नंबर आने में टाइम लगेगा, पहले पर्ची बनवानी है, उसके पर्ची बनवा ली, अब जा रहा हूँ। अभी वेटिंग चल रही है, नंबर है 62, वेट करना पड़ेगा, काफ़ी देर बाद जाके नंबर आएगा। अभी नंबर नहीं आया, अभी बहुत सारे बंदे मेरे आगे लगे हैं। गाइस मुझे दोबारा आना पड़ेगा, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, दवाइयाँ भी दे दी, और सर्जरी में चेक करवाना है एक बारी। तो कह रहे हैं तुम्हें हो सकता है सर्जरी होए, तो चेकअप के लिए आना पड़ेगा अब ट्यूजडे को। तो अब घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, सुबह से यहीं लगा हुआ था लाइन में, तो आप भी प्रे करो मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी जल्दी। घर जा रहा हूँ, पहले जाऊँगा दवाई लेने डिस्पेंसरी, उसके बाद सीधा आ रहा हूँ। ऑमलेट पैक करा रहा था, भूख बड़ी लग रही थी, सुबह से थक गया था, पैक करवा लिया है, अब जा रहा हूँ। अभी अभी लस्सी पीने आया था, लस्सी पी ली, अब यहाँ से जा रहा हूँ। भैया की लस्सी ख़त्म होगी, लास्ट बची थी वो मैंने ले ली, भैया की लास्ट लस्सी बची थी मैंने ले ली, और अब घर निकल रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You better pray for help. Welcome to my apartment.